राजस्व विभाग की उत्तरी जिले के अंतर्गत नंगली पुना गांव की ग्राम सभा व डीडीए की योजना में डाली गई जमीन पर हो रही है धरल्ले से अवैध प्लॉटिंग। नंगली पुना का जो गंदे नाले का पुल बना हुआ है, वहां उस नाले के पुश्ते के साथ साथ स्वरूप नगर तक पूरे क्षेत्र में कई जगह हरी भरी फसलों को काट कर उसके ऊपर अवैध कॉलोनियां बसाने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि यहां पर चकबंदी के दौरान की ग्राम सभा की जो जमीन थी उस पर भी अवैध कब्जा हो रहा है। जिस जमीन पर पार्क या कुछ जनता के हित की चीजें बनी थी वहां पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। साथ ही स्थानीय निवासियों ने कहा कि उन्होंने वे जमीन डीडीए की योजना में डाल रखी है और बाद में यदि डीडीए उसके ऊपर कुछ कार्य करेगी तो गरीब लोग मारे जाएंगे, क्योंकि अवैध कॉलोनी बसाने वाले वहां 50 गज और 100 गज के छोटे छोटे प्लॉट बनाकर बेचकर वहां से चले जाएंगे और जब डीडीए जागेगा और वहां पर डेमोलिशन करेगा तो वे खरीदार गरीब लोग मारे जाएंगे। इसलिए स्थानीय लोग प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं कि वक्त रहते यहां पर इस अवैध निर्माण को रोका जाए। साथ ही उसमें ग्राम सभा की जो सरकारी जमीन है उस पर भी कब्जा हो रहा है, जिस पर नगर निगम ने जरूर हल्का डेमोलिशन किया है लेकिन दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग ने वहां पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही राजस्व विभाग की तरफ से यह जगह ग्राम सभा की सरकारी लैंड होने के बोर्ड आदि लगवाए हैं। फिलहाल गांव के लोगों ने ही अब यहां पर इस अवैध प्लॉटिंग का विरोध करना शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि कब दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग जागता है और यहां पर कार्रवाई करता है। मैं महिपाल राणा, गांव नंगली पुना निवासी, मैं आपका ध्यान आज गांव की कुछ मेन समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूँ। हमारे गाँव की जो जमीन अभी हमारे गाँव नंगली पुना में चकबंदी हुई थी, चकबंदी में कुछ ज़मीन ग्राम सभा की छोड़ी गई जो रास्तों के लिए हमारी काटी गई थी, उस ज़मीन पर भी कोई कब्जा नहीं दिया गया। उस पर भी आज की तारीख में अवैध निर्माण के साथ साथ इल्लीगल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा चल रही हैं। हमारे गांव की जो एग्रीकल्चर लैंड जो मास्टर प्लान के तहत डीडीए पे जमा की गई थी, वो सारी ज़मीन नंगली पुना से लेकर स्वरूप नगर तक नाले के साथ साथ सारी ज़मीन हमने जमा कर रखी है एग्रीकल्चर लैंड डीडीए के मास्टर प्लान के तहत, लेकिन उस पूरी की पूरी ज़मीन पर आज धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है और नई नई कॉलोनियां काटी जा रही है। नहीं है, कल को अगर डीडीए उस ज़मीन पर अपना कब्जा लेता है तो मारा कौन जाएगा? गरीब आदमी बेचारे सारे के सारे उस चीज़ पर मारे जाएंगे, क्योंकि नुकसान उनका होगा, बेचने वाले अपनी ज़मीन बेचकर चले जाएंगे। आज की तारीख में वो लोग धड़ल्ले से अवैध निर्माण चल रहा है जिस पर ना एमसीडी ध्यान दे रही है ना डीडीए डिपार्टमेंट कोई ध्यान दे रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे प्लॉट काट कर 50-50 गज के 100-100 गज के प्लॉट काट कर बेचे जा रहे हैं गरीब आदमियों के लिए। गरीब आदमी सस्ते के चक्कर में उसको खरीद लेता है, लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है कि उसका तो सब कुछ उजड़ चुका है जब डीडीए वाले या एमसीडी वाले उसको गिराने के लिए आते हैं। कृपा करके इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। गाँव की जो ज़मीन रास्तों के लिए जो छोड़ी गई थी, खेतों के रास्तों के लिए, उस ज़मीन पर भी ना डीडीए ने कब्जा दिया ना राजस्व विभाग ने कोई कब्जा दिया। सारी की सारी ज़मीन ऐसे ही छोड़ दी गई, जो कि भूमाफिया मिलकर उस ज़मीन को भी प्लॉटों के अंदर शामिल करके उसको काटते जा रहे हैं और उस पर भी कोई ध्यान किसी का नहीं दिया जा रहा है। कृपा करके इस पर ध्यान दिया जाए।